हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम सीखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है गाइस कंपाइलर डिज़ाइन में। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा इस सीरीज़ का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपाइलर क्या होता है और उसका टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स क्या होते हैं एंड हमारे दो फेजेस क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक एनालिसिस फेज होता है और एक सिंथेसिस फेज होता है। प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं कि हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को डिफाइन कीजिए, 5 नंबर में पूरा आ सकता है एंड इसका पूरा हमारा प्रॉपर डायग्राम होता है। ओके, जैसे गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है या फिर जो भी आप सोर्स कोड लिखते हैं ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं क्या अपना लो लेवल लैंग्वेज में, है ना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंपाइलर। तो कंपाइलर ने तो उसको कन्वर्ट कर दिया लो लेवल लैंग्वेज में, बट मशीन को तो हम मतलब जीरोज और वन समझ में आते हैं ना, बाइनरी फॉर्मेट। तो मशीन लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, जो कि हमारे ये हैं। ये सब टूल्स को मिला के हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है पूरा मशीन कोड में बेसिकली। सो इसको हम देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारा होता क्या है। ओके, सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर को या फिर जो हमारा मशीन है उसको अंडरस्टैंड नहीं हो सकता है ना, वो उसको समझ में नहीं आता। सो गाइस दैट्स व्हाई हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो है हमारा एग्जीक्यूट हो सके कोड जो है। सो गाइस वही है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, अब हम देखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है आप लोगों के लिए। दीज प्रोग्राम्स आर फेड इन टू अ सीरीज ऑफ टूल्स। दीज प्रोग्राम्स मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अपना कोड लिख रहे हैं, सोर्स कोड। ओके, सो दीज प्रोग्राम्स आर फेड इन टू अ सीरीज ऑफ टूल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पोनेंट्स टू गेट द डिजायर्ड कोड दैट कैन बी यूज बाई द मशीन एंड दिस इज वट वी कॉल एज द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, तो मतलब आपका जो ये पूरा सिस्टम है गाइस जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है वट अपना एग्जीक्यूटेबल कोड में, मशीन कोड में, इसको हम बोल रहे हैं पूरा अपना लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। सो गाइस हम देखते हैं हमारे क्या क्या टूल्स यूज करते हैं हम लोग और कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमारा सोर्स कोड जो है मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले देखिए आपका इनपुट जाता है सोर्स कोड, हम उसको बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपका प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट जाएगा टू वट टू अ टूल कॉल्ड वट प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब ये प्री प्रोसेसर क्या होता है गाइस, इस मतलब ये देखो प्री प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका काम होता है जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हो ना, इसको ये कन्वर्ट करता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब क्या है इसका कहने का, अब आप देखिए इन प्री प्रोसेसिंग ये तो सिंपल हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। एंड प्री प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है हमारा, इट रिमूव्स ऑल दी हैश टैग इंक्लूड फाइल्स जो हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ना हैश टैग इंक्लूड stdio.h, conio.h, या फिर आप गाइस अपने मैक्रोज डिफाइन करते हो हैश टैग डिफाइन करके, हम लोग अपने मैक्रोस को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पाई कांस्टेंट हो गया, या फिर सपोज आप बैंक जा रहे हैं तो बैंक के रेट जो है चेंज होते रहते हैं। सो वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम, तो हमने क्या करना है वहाँ पे रेट हमारा कभी भी चेंज हो सकता है, कि कहीं पे 5% है और कभी एक साल बाद हमारे को 6% करना है, तो हम पूरे उसमें अपने कोड में तो चेंजेस नहीं करने वाले ना। सो दैट्स वाई वी विल डिफाइन अपना रेट को एज अ कांस्टेंट, कि आप उसको 5% दे देंगे और फिर उसके बाद जब हमको चेंज करना होगा फ्यूचर में, हम उसको सिंपल मैक्रो एक्सपेंशन में चेंज कर देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स मतलब हमारा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, हैश टैग इंक्लूड हो गया आपका एंड हैश टैग डिफाइन मतलब आपके मैक्रो एक्सपेंशन जो होते हैं गाइस, ये सारी चीज़ें हटा करके ये उसके बदले जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड कर देते हैं। मतलब जो आपके हैश टैग इंक्लूड वाले जो हमारी फाइल्स होते हैं ना बेसिकली, उन सिर्फ उन पर्टिकुलर फाइल्स को लेके ये यहाँ पे इंक्लूड कर देगा और बाकी जो आपके हैश टैग डायरेक्टिव्स वगैरह हैं सब कुछ हटा देगा। सो प्री प्रोसेसर हमारा प्री प्रोसेसिंग करता है, ये हमारा होता है प्री प्रोसेसिंग। और जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका ऑपरेटर कन्वर्जन भी ये करता है गाइज, ऑपरेटर कन्वर्जन इन द सेंस, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोड है उसमें आपने लिखा हुआ है ए माइनस माइनस, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है गाइज, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट इज द प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस, इसको कन्वर्ट कर देगा ए इक्वल टू ए माइनस वन में, है ना, क्योंकि हमारा ए माइनस माइनस का मीनिंग यही तो होता है ना कि ए इक्वल टू ए माइनस वन। सो गाइज आपका प्री प्रोसेसर क्या है बेसिकली, ये भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपका जो है हमारा फाइल इंक्लूजन करता है, आपके सारे हैश टैग इंक्लूड्स वगैरह जो अभी आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको हटाता है, उनके बदले जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करता है एंड इट ऑल्सो डज वट आपका मैक्रो एक्सपेंशन, जो कि आपके हैश टैग डिफाइन वाली लाइन्स होती है ना, जैसे कि आपका पाई कॉन्स्टेंट हो गया एंड सो ऑन, और ये आपका गाइज ऑपरेटर कन्वर्जन भी करता है। सो गाइज जो मेन चीज़ें करता है हमारा प्री प्रोसेसर, ये हमारी हो गई फाइल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रो एक्सपेंशन एंड सम ऑपरेटर कन्वर्जन, और भी गाइज करता है बट मेन हमारे ये हो गया। ओके, सो प्री प्रोसेसर विल कन्वर्ट दिस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी ये सारी बन चुकी है, मतलब फाइल इंक्लूड हो चुकी है, हैश टैग डिफाइन लाइन सारी हट चुकी है, हैश टैग इंक्लूड वगैरह सब हट चुका है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब गाइज ये जो हमारी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इसको हम देते हैं कंपाइलर को, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था, अब ये इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। उस लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोल रहे हैं गाइज, असेंबली लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब हम जो भी इसको इनपुट दे रहे हैं और जो हमारा आउटपुट आ रहा है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द असेंबली कोड। तो ये हमारी एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, हमको इसका आउटपुट मिलेगा एंड दिस आउटपुट ऑफ दिस कंपाइलर दैट इज द असेंबली लैंग्वेज विल बी गिवन एज अ इनपुट टू वर्ड असेंबलर। ओके, एंड गाइज योर दिस असेंबलर जो कि हमारा एक प्रोग्राम होता है, ये कन्वर्ट करेगा हमारे असेंबली लैंग्वेज को
किस में कन्वर्ट करता है गाइज, ये रिलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड व्हाट इज दिस रिलोकेटेबल मशीन कोड गाइज, ये हमारा एक कोड होता है विच कैन बी लोडेड इन द मेमोरी, जब भी हम इसको चाहें तब लोड कर सकते हैं, ठीक है, कोड दैट कैन बी लोडेड एनीवेयर इन द मेमोरी। एंड जो भी हमारा ये जनरेट होता है रिलोकेटेबल मशीन कोड असेंबलर के द्वारा, ये हम पास कराते हैं गाइज एक लोडर और लिंकर के थ्रू पास कराते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स जो इसका आउटपुट आता है ये आपका होता है गाइज एग्जीक्यूटेबल कोड, आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपल एब्सोल्यूट मशीन कोड, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका रिलोकेटेबल मशीन कोड है और यहाँ पे आपका है एब्सोल्यूट मशीन कोड, ओके। सो रिलोकेटेबल में क्या था, कोड को आप कभी भी लोड कर सकते हो मेमोरी में, बट एग्जीक्यूटेबल कोड जो आपका गाइस यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, इसका क्या होता है, कोड दैट इज असेंबल्ड टू वर्क एट वन स्पेसिफिक एड्रेस ओनली, ओके। मतलब इसी स्पेसिफिक एड्रेस पे ही लोड करके हम इसको चला सकते हैं, वरना नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो आपका जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, अपना हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट देंगे प्री प्रोसेसर पे, ये आपके सारे हैशटैग डिफाइन हटाएगा, हैशटैग इंक्लूड एंड सो ऑन, बाकी चीज़ें हटाएगा, प्री प्रोसेसिंग होगी बेसिकली, इस प्रोसेस को हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। देन इसको जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर दिस आउटपुट विल गिवन एज इनपुट टू दिस कंपाइलर, कंपाइलर जनरेट करेगा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इनपुट जाइए असेंबलर में, एंड असेंबलर आपका कन्वर्ट क्या आउटपुट देगा गाइस, रिलोकेटेबल मशीन कोड। एंड गाइस दिस रिलोकेटेबल मशीन कोड विल बी गिवन एज इनपुट टू दिस लोडर एंड लिंकर, और जो आपका लोडर और लिंकर है गाइस ये हमारे कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि असेंबलर क्या करेगा, लोडर और लिंकर क्या करेगा, मैं आपको भी पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। एंड दिस आफ्टर दिस प्रोसेसिंग ये हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। तो इस तरीके से गाइज हमारा कुछ प्रोसेस होता है कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम कोड लिख रहे हैं ये हमारा कन्वर्ट होता है गाइज क्या, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ओके। सो हम ये तो देख ही चुके हैं कि हमारा प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, दैट इज वी हैव सीन व्हाट दिस प्री प्रोसेसर इज डूइंग। नाउ कंपाइलर हम गाइज प्रीवियस वीडियो में वैसे देख चुके हैं, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सो गाइज कंपाइलर क्या करता है, सिंपल जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि आपका सोर्स कोड है उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं गाइज लो लेवल लैंग्वेज में, और हमारी यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, ओके, इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड इट ऑल्सो गिव्स एरर्स एंड वार्निंग्स, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। कंपाइलर हो गया, फिर उसके बाद गाइज हमारा क्या फेज था, कंपाइलर के बाद हमारा असेंबलर होता है, ओके। मतलब एक असेंबली लैंग्वेज जनरेट होती है, और असेंबली लैंग्वेज गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज गाइज हमारी जीरोज और वंस नहीं होती है, ओके, इट इज़ नॉट इन बाइनरी फॉर्म, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है डिटेल में। सो बस आप फिलहाल के लिए याद रखिए जीरोज और वंस के फॉर्मेट में नहीं होती है, इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, और पहले इसमें भी हमारी इस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग किया करते थे। एंड गाइज अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूँ, सो यू कैन वॉच दी वीडियो एट 0.75x, ओके। नाउ गाइज जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है इसको हम असेंबलर को पास करते हैं ना, असेंबली लैंग्वेज इज पास टू व्हाट, असेंबलर। अब असेंबलर क्या कर रहा है ना वो देखते हैं गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबलर क्या है गाइज, असेंबलर इज अ प्रोग्राम, ओके, एंड इट कन्वर्ट्स असेंबली कोड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिवल मशीन कोड में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइज, एंड इट कैन बी लोडेड एनी टाइम इन द मेमोरी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड वी कैन रन दैट ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइज यहाँ पे, ये है कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपका इंटेल का हो गया या फिर AMD आप यूज़ कर रहे हैं एटसेट्रा, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, 64-bit हो गया, 32-bit हो गया, एंड सो ऑन। सो गाइज डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमारा एक असेंबलर होगा, और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपका अलग असेंबलर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज असेंबलर फॉर वन प्लेटफॉर्म विल नॉट वर्क फॉर अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सो ये होगी हमारी असेंबलर की बात, सिंपल ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है असेंबली कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ हम देखते हैं गाइज इसके बाद हमारा लोडर और लिंकर क्या काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम था ना हमारा, इसमें हमारा आउटपुट क्या है, रिलोकेटेबल मशीन कोड। अब हम देखेंगे कि हमारा लोडर और लिंकर क्या कर रहा है, ओके, फाइनली जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है। सो लोडर एंड लिंकर हमारे क्या करते हैं गाइस, बेसिकली दे कन्वर्ट रिलोकेटेबल मशीन कोड इनटू एब्सोल्यूट मशीन कोड, ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब बेसिकली स्पेसिफिकली बात करते हैं कि लिंकर क्या करते हैं। अब देखिए गाइस जैसे कि नाम ही मतलब हमको पता चल रहा है लिंक, कुछ चीज़ मतलब जोड़ रहा है ना, तो लिंकर क्या करता है, लिंक करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को, जोड़ता है इनटू अ सिंगल फाइल, एक फाइल में उसको रखेगा, है ना, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोल सकते हैं सिंपल सा। सो लिंकर का काम क्या हो गया, इट लिंक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, भी इसको हम बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद गाइज हमारा लोडर का काम क्या होता है, जैसे कि लिंकर का नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ लिंक कर रहा है ना, कुछ जोड़ रहा है, सिमिलरली आपका लोडर से क्या हमारे को पता चल रहा है कि कुछ लोड कर रहा है ना, कहीं से हम कुछ चीज़ लोड कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो सिंपल लोडर का काम क्या होता है, इट लोड्स दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जो ये लिंकर पूरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक सिंगल फाइल बनाता है ना, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल रहे हैं, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ये लोड करता है मेमोरी में, और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता है। सो वही लिखा हुआ है, इट लोड्स दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी एंड देन इट एग्जीक्यूट्स इट, ओके। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, कि हमारा कैसे हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज
लैंग्वेज में, जैसे मशीन कोड हम इसको बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइज, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। सो गाइज, इफ़ यू टॉक ऑफ एनी कंपाइलर लाइक आपका टर्बो सी हो गया, GCC हो गया, या फिर किसी भी कंपाइलर की आप बात करते हो ना, मतलब उसमें हमारे ये सारे फेजेस इंक्लूड होते ही होते हैं। मतलब सोर्स कोड से मशीन कोड तक को कन्वर्जन होने में या आपके पूरे प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, प्री प्रोसेसिंग होगी। एंड कई बार गाइज आपसे पूछते भी है ना वाइवा वगैरह में कि कंपाइलेशन पहले होती है या प्री प्रोसेसिंग पहले होती है, तो प्री प्रोसेसिंग आपकी पहले होती है फिर कंपाइलेशन होता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस हमारे होंगे, उसके बाद जो है हमारा आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, एंड आगे भी वीडियोज़ कंटिन्यू रखते हैं। एंड या अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, बाकी सारी प्लेलिस्ट भी काफ़ी सारी डिली हुई है, इंटरव्यू रिलेटेड स्टफ आपको बहुत सारा मिल जाएगा गाइज, कि आपके कॉग्निजेंट में क्या प्रोसेस था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी कि CGPA क्यों इंपॉर्टेंट होता है आप। सो गाइज, आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा तो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।